पे होगा क्या कि आपका जो भी रेट मार्केट में चलता है, मार्केट में मान लो 50,000 पे रेट चल रहा है, 51 चल रहा है, 52 चल रहा है, तो वही 10 तोले मतलब 1 तोले का रेट बाजार में 50,000 होगा, तो कंपनी में उसी का रेट हो सकता है 35,000, 34,000, 36,000 ये रहेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है डियर कि जो लोन्स होती हैं बैंकों में NBFC में, वो LTV बोला जाता है, LTV मतलब लोन टू वैल्यू, वो 75% लगभग सारी बैंक NBFC प्रोवाइड करती हैं, मतलब 25% काट के। सिंपल भाषा में अर्थ हुआ कि 100 रुपये का अगर आपका सोना है तो उस सोने पर जो बैंक आपको लोन देगी वो 75 रुपया देगी, मतलब 25 रुपये काट कर। तो वही हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये जो रेट है ये ऑलरेडी 25% काट कर कंपनी तय कर देती है। तो आपके सोने का जो रेट था मार्केट में 50,000 था, और कंपनी के अंदर मतलब बैंक के अंदर जब आप अपने सोने को लेके गए तो वहां पर देखा कि आपके सोने का जो रेट था कितना था, 35,000 रुपये था, मतलब बैंक आपको जो लोन देगी वो कितना देगी, 75%। तो अब हम देखते हैं कि इस 75% पे आपको लोन कैसे कैलकुलेट होता है बैंक के अंदर। तो 10 ग्राम आपका सोना है और मान लीजिए उसका रेट है 20 कैरेट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा कि मान लीजिए आपका 10 ग्राम सोना है और कितने कैरेट का है, 20 कैरेट का। तो 20 कैरेट का जब आप सोने को लेकर बैंक में जाओगे तो वो लोन कितना देगी वो हम देखेंगे। तो माय डियर यहां पर मैं एक विशेष चीज आपको बताने वाला हूं कि देखिए ये है गोल्ड कैरेट। इसमें क्या होता है कि सोना एक होता है 18 कैरेट का, एक होता है 20 कैरेट का, 21 कैरेट का, 22 कैरेट का और 22 का हॉलमार्क का। अब आप कहोगे सर इतने प्रकार के सोने क्या होते हैं, ये चीज़ होती क्या है, और स्पेशल से जो गांव में लोग रहते हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते, तो उन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आना चाहिए, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि दोस्तों अगर आपका सोना 10 ग्राम है मतलब 1 तोले का है, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोने के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है 18 कैरेट का सोना, एक होता है 20 का, एक 21 का, 22 का और 22 का हॉलमार्क का। मान लीजिए आप 10 ग्राम सोने को लेके बैंक में जाते हैं और आपका सोना 18 कैरेट का है, वहीं दूसरे किसी कस्टमर का सोना 22 कैरेट का है और एक तीसरे कस्टमर का सोना 21 कैरेट का है, और जब आप बैंक में पहुंच जाएंगे और बैंक आपको मान लीजिए आपके सोने पर ये 35,000 रुपये आपको दे दे, तो कस्टमर आपस में लड़ेंगे और वो ये बोलेंगे कि सर मेरा कैरेट तो 18 का है, मुझे 35 दिया, और मेरा 21 कैरेट का है, अच्छी क्वालिटी का सोना है, फिर भी मुझे 35 दिया, मेरा 22 हॉलमार्क का है, बिल्कुल प्योर सोना है, फिर भी मुझे 35 दिया। तो कस्टमर आपस में लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि सोना उनका ज़्यादा अच्छा है फिर भी वो कम अमाउंट पा रहे हैं। तो होता क्या है बैंक्स के अंदर कि आपके सोने की जितनी क्वालिटी अच्छी होती है उतने हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 25% तो पहले से कट हो गया, अगर आपका 1 लाख का सोना आप लेके गए हो तो आपके 1 लाख के सोने पर बैंक NBFC जो मैक्सिमम आपको जो लोन देगी वो पहले तो कितना देगी, 75%, मतलब 1 तोले पे कितना हो गया लगभग 35,000। इस अमाउंट में भी आपकी सोने की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ कटौती और कट जाती है, अब वो कैसे कटती है वो आप देख लीजिए। जैसे 10 ग्राम का सोना है और आपका मान लीजिए 20 कैरेट का है, तो ये जो 9 लिखा हुआ है 9, ये है इम्प्योरिटी, मतलब आपके सोने में इतनी है मिलावट। अगर आपका सोना 18 कैरेट का है तो 18 कैरेट में जो मिलावट होती है वो होता है 18%, वही 21 कैरेट का है तो 5% मिलावट हो गई, वही 22 कैरेट का है तो 2% मिलावट हो गई, और वहीं 22 का हॉलमार्क का है तो वहाँ पे 0% मिलावट होती है, मतलब आपका जो बैंक है वो आपको पूरा का पूरा पैसा आपको दे देगा। तो 18% मिलावट का मतलब ये हो गया कि आपका जो सोने की जो वैल्यू है वो कितना है, 82% है। वहीं अगर आपका 1 तोला सोना 20 कैरेट का है तो बैंक आपको जो फंडिंग करती है वो कितना करती है, 91%। वहीं अगर 22 हॉलमार्क का है, ये 22 कैरेट का है,
तो 98% करेगी, और 22 हॉलमार्क का है तो 100% आपको कर देती है। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं यहाँ पर। तो अब हम कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि एक्चुअल लोन कितनी बनेगी आपके सोने पर। तो 10 ग्राम का आपका सोना था, 20 कैरेट का था, तो जो फॉर्मूला है वो ये है, वेट माइनस इम्प्योरिटी। तो 10 ग्राम आपने लिखा, उसके बाद आपने माइनस 9 लिखा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कैलकुलेशंस होती है स्पेशली कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी होती है कैलकुलेटर से। तो आप कैलकुलेटर से यूज़ करें, अगर आप डायरेक्टली हाथ से परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो 10 माइनस 9, ये 9 कहाँ से आ गया, क्योंकि आपका सोना जो था 20 कैरेट का था, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया 9। ये 9 क्या है, इम्प्योरिटी रेंज है। तो 10 माइनस 9 उसका परसेंटेज तो कितना कैलकुलेट हुआ, 9.1। दूसरा चीज़ एक और देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आपका सोना होता, या मैंने एग्जांपल और भी लिख दिए, 10 माइनस 9% तो 9.1, ये सेम आ गया। अगर आपका सोना है 18 कैरेट का, तो आपके सोने का वेट कितना माना जाएगा कि 10 माइनस 18, फिर आप दबा देंगे परसेंटेज का चिन्ह, और जैसे आप परसेंटेज का चिन्ह दबा देंगे कैलकुलेटर में, तो आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 8.2। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका सोना है 21 कैरेट का 10 ग्राम, तो 10 ग्राम माइनस किया हमने 5, और ये दबा दिया परसेंटेज का कैलकुलेटर में, जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसको दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 9.5। दूसरा हम एक और देखते हैं, अगर आपका सोना 22 कैरेट का होता है तो 10 माइनस 2 परसेंटेज क्लिक कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8। और ये आपका है 22 हॉलमार्क, मतलब अगर आप 22 हॉलमार्क का सोना लेके जाते हो तो उस पर कंपनी कुछ नहीं काटती है, पूरा का पूरा 100% आपको दे देती है। तो आपका सोना कितना हो गया, पूरा का पूरा 10 ग्राम। मतलब ये एक तरह से वही नियम हो गया साहूकार वाला, कि अगर आप 10 ग्राम सोना लेके जाते हो साहूकार के पास आज खरीद के, तो आप देखते हो अगले दिन अगर आप उसको बेचने जाओगे तो उस पर वो बट्टा कटौती काट लेता है। वैसे कंपनीज भी हैं कि जब आप सोने को वहाँ गिरवी रखने जाते हो, तो आपके सोना था कितना, 21 कैरेट का 10 ग्राम का था, लेकिन जब 21 कैरेट पे जब वो कटौती होगी तो कितना होगा, 9.5, मतलब आपका सोना 10 ग्राम की जगह कितना बचा, 9.5 ग्राम मात्र। तो वही कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो 10 माइनस 9 का जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया तो ये 9.1, ये आ गया आपका एक्चुअल वेट। अब 9.1 आपका वेट आ गया, 9 ग्राम आपका वेट हो गया, तो 9.1 ये ग्राम, ये किया मल्टीप्लाई, मतलब गुणा 3500 क्यों किया, क्योंकि आपका जो आरपीजी है, मतलब एक ग्राम सोने का जो रेट है वो है 3500 रुपया, तो 3500 का हमने गुणा किया और ये आ गया आपका 31850। ये देखिए आपका सोना था 9.1 गुणा किया हमने 3500 से, 31850 आ गया। अब 31850 हमें कस्टमर को देना था, लेकिन इसमें से भी थोड़ा सा और चार्ज करता है बैंक का। वो क्या चार्ज करता है, ये होता है पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्रोसेसिंग फी। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, बैंक में लोन लेने की जाते हो, तो आप जानती हो कि प्रोसेसिंग चार्ज उस पर कटता है। तो कितना काटते हैं, 0.50। तो 31850 उसका निकाल दो आप 0.50%, और निकालो कैसे, 31850 कैलकुलेटर में कीजिए ये काम, 31850 गुणा 0.50, और उसमें दबा दो आप परसेंटेज, तो कितना निकलेगा, 159। अब ये जो 159 रुपया आपका निकला, इस 159 का हमने क्या निकाला, जीएसटी। यहां पे आप याद रखीजिए, जीएसटी चार्ज आपको देना ही पड़ता है। तो 159 जो हमारा निकला है प्रोसेसिंग फी, इस पर हम चार्ज करेंगे 18% का जीएसटी, तो कितना आएगा, 28 रुपया। कैलकुलेटर में आप कीजिए, 159 मल्टीप्लाई, मतलब गुणा 18 और परसेंटेज, तो 28 रुपये निकल जाएगा। तो ये दोनों चार्ज हैं 1, 2, इनको आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ के आ गया आपका 187 रुपया। तो ये टोटल चार्ज हमको कट करना है, और 187 रुपये किस में से कट करेंगे आप, इसमें से। तो कीजिए 31850, इसमें से हमने माइनस किया, घटाया,
187, तो कितना आ गया टोटल 31663, 31663। ये आपका आ गया टोटल लोन का अमाउंट, मतलब इतना रुपया आप कस्टमर को देंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये होता है एक प्रोसेस कि लोन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप एक खुद एक सवाल लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस करें बार बार, ये आपको रट जाएगा। और आप यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये जो मैंने 10 लिया है ये है आपका वजन वेट। यहाँ 10 की जगह क्या हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है 20 ग्राम सोना आ जाए, 30 ग्राम सोना लेके आए, 40 ग्राम तो 40 लिख देंगे, 40-9, 50 ग्राम सोना आ गया तो 50-9, 100 ग्राम आ गया तो 100-9। और ये 9-9 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका सोना 20 कैरेट का है तो 100, ये कस्टमर का सोने का वजन मान लो 20 ग्राम सोना लेके आया तो 20-9 हो गया। अगर कस्टमर मान लीजिए 18 कैरेट का सोना लेके आया है तो 20-18 हो जाएगा आपका। अगर कस्टमर मान लीजिए 21 कैरेट का सोना लेके आ गया, 21 कैरेट का सोना है और कितना है 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम है, तो 20-5 हो जाएगा। तो प्रोसेस सेम रहेगा, आप प्रैक्टिस करके देखिए, कैलकुलेट करके दीजिए और इस तरह से आप सवाल निकालना सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कि लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और डिटेल में नए नए सवाल के साथ में समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।